वन टू वन क्लासेस की ओर से दोस्तों मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्लास इलेवंथ के लिए और हम लोग आज इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास इलेवंथ की। आज हम लोग बात करेंगे क्लास इलेवंथ की इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट और उसमें सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आराम से वीडियो को देखने के बाद समझने के बाद अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत 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 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा तो। दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इकोनॉमिक क्लास इलेवंथ के लिए आज की हमारी ये वीडियो क्लास इलेवंथ। पहली बार क्लास इलेवंथ में आए हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पहली बार तो नहीं पढ़ रहे, इलेवंथ में पहली बार पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने नाइन्थ में टेंथ में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, मजाक में तो पढ़ ली थी है क्या। थोड़ा सा इलेबोरेटिव मैनर में जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर जो हमारा सबसे पहला है, जो यूनिट हमारी पहली है, वो फोकस्ड ही है इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे आपको, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ जगह पर इस चैप्टर को हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले इकोनॉमी क्या होती है वो जानते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक्स में मैं अलग अलग देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ता हूं, इकोनॉमी को पढ़ता हूं। अब ये इकोनॉमी चीज क्या है, व्हाट इज दिस इकोनॉमी? तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, लिखवाने वाला हूं, आपके माइंड में सेट करने वाला हूं, वो डेफिनेशन होने वाली है दोस्तों आपकी इकोनॉमी की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या होती है, चलिए दोस्तों लिखते लिखते समझते हैं डेफिनेशन क्या है। तो कहा गया है कि जो इकोनॉमी है, कि एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, इकोनॉमी एक सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिस्टम है। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता है पीपल मींस टू वर्क, जो प्रोवाइड करेगा पीपल को मींस टू वर्क, मतलब काम देगा। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को काम देगा, वर्क देगा। ठीक है, मींस टू वर्क प्रोवाइड करेगा एंड अर्न देयर लिविंग। लिविंग मतलब उनको उस प्रोडक्शन की प्रोसेस में जब वो काम देगा तो कुछ पैसा कमाने का मौका भी देगा। पैसा कमाएंगे जब काम करेंगे तो पैसा भी मिलेगा। ठीक है, एंड अर्न देयर लिविंग, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, जब पार्टिसिपेट करेंगे तो बदले में पैसा भी मिलेगा और कुछ प्रोडक्शन भी करना है। मतलब इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें लोग काम करते हैं और जब वो काम करते हैं तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में काम करते हैं, और जब वो उस प्रोसेस में काम करते हैं तो उसकी मदद से वो कुछ पैसा कमा सकते हैं, जो उनकी कमाई हो रही है। दोस्तों ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, प्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, ये पूरा सिस्टम एक सिस्टमैटिक मैनर में जो चल रहा है पूरा पूरा, इसी को दोस्तों हम लोग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और इसको पढ़ना, क्योंकि हर देश में प्रोडक्शन अलग अलग चीज का होता है, मीन्स टू वर्क अलग अलग है, लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं, लिविंग कमाने के तरीके अलग अलग हैं, प्रोडक्शन अलग अलग चीजों का होता है, प्रोडक्शन करने के तरीके अलग अलग हैं, हर कंट्री का अलग अलग हिसाब है, सीधी सी बात है। तो अलग अलग कंट्री की इकोनॉमी को पढ़ने का मतलब है अलग अलग कंट्री के प्रोडक्शन पैटर्न को पढ़ना, कौन सी कंट्री किस तरीके से प्रोड्यूस करती है, कौन सी कंट्री के लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं, किस तरीके से पैसा कमाने से काम नहीं चलता, भाई कमा के करेंगे क्या, खर्च भी तो करेंगे ना, तो किस तरीके से लोग पैसा खर्च करते हैं वो भी हम पढ़ते हैं, और लोग किस तरीके से पैसा बचाते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी में हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं करते, यहां से तो बस पैसा जनरेट होगा, पैसा आएगा, इस पैसे को खर्च भी तो करना, तो खर्च भी करेंगे और सेव भी करेंगे। तो ये प्रोडक्शन करना, उसके बाद प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन करना, और कंजम्पशन के बाद इन्वेस्टमेंट भी करना, ये सब के सब हमारी इकोनॉमी के ही काम है।
तो कह सकते हैं जो इकोनॉमी हमने पढ़ा है इसकी थ्री मेन एक्टिविटीज होती है दोस्तों, इकोनॉमी की हमारी थ्री मेन एक्टिविटीज हैं, जिनमें पहली एक्टिविटी का नाम आपके सामने दोस्तों आ चुका है जिसका नाम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद करेंगे कंजम्पशन। प्रोडक्शन मतलब सामान बनाना, कंजम्पशन मतलब सामान को खाना, कोई बनाएगा को खाएगा। और उसके बाद तीसरा आता है जिसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हमारी दोस्तों कहलाती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। तो ये तीन काम हम मुख्य रूप से करते हैं, हम लोग चीज़ों को बनाते हैं, बनाएंगे तो पैसा जनरेट होगा, पैसा भी आएगा हमारे पास, उसके बाद हम कुछ और चीज़ों को खाएंगे। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ जो मैंने बनाई है मैं वही खाऊं, कुछ और भी खा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद कुछ पैसा बचेगा मेरे पास तो उसकी मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूं। सो दीज आर द थ्री मेन एक्टिविटीज़ विच रन्स इन एन इकोनॉमी। सो दीज आर नोन एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। मेन एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी आर दीज थ्री, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, याद रख के चलेंगे दोस्तों। और इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को काम देगा, प्रोडक्शन की प्रोसेस में काम देगा, और जब वो काम करेंगे तो ऐसे लोग अपनी लिविंग, लिविंग मतलब अपनी दिनचर्या को गुजारने के लिए सफिशिएंट पैसा, आजीविका, दैट इज डेली अर्निंग कमा पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी इकोनॉमी की। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों जो हमारे सामने आती है उसका नाम है स्कार्सिटी। अब यह स्कार्सिटी क्या है, व्हाट इज दिस स्कार्सिटी ब्रो? स्कार्सिटी मतलब हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग कमी, किसी चीज की कमी, स्कार्सिटी, 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 कमी है। कमी का पता तब पता चलता है हमें, मतलब किसी चीज की कमी है इसका पता हमें तब चलता है जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो। आई रिपीट, जब भी किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी उसकी सप्लाई से तो पता चलेगा उस चीज़ की कमी है। मतलब जब जब डिमांड बड़ी होगी सप्लाई से तो पता चलता है स्कार्सिटी है। डिमांड सप्लाई क्या है, एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है? मैं उसको बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग देखते हैं दोस्तों, नोटिस करते हैं कि गर्मियों में पावर कट सबसे ज़्यादा होते हैं। पावर कट का मतलब बिजली का भागना सबसे ज़्यादा होता है। और अगर हम सोच के देखें तो गर्मी में बिजली की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा डिमांड भी कब होती है? गर्मियों में। क्यों? सभी के घर में एसी है, एसी भी चलने हैं, फैंस हैं, दो दो फैन एक रूम में तो दो दो तीन तीन फैन भी चलने हैं। उसके बाद ट्यूबलाइट तो खैर चलो सर्दियों में भी चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा एसी का चलना, फैन का चलना, रेफ्रिजरेटर्स का चलना कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तो उतनी ही है जितनी पहले थी उतनी है, डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब भाई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई है नहीं, इसलिए पावर कट करना पड़ता है। पावर कट करने का मतलब है सप्लाई उतनी ही है, उसको थोड़ा थोड़ा करके देंगे, आपकी डिमांड ज़्यादा है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बिजली काटनी पड़ रही है, पावर कट करना पड़ रहा है ताकि मैं आपकी डिमांड को जितना हो सके उतना फुलफिल कर पाऊँ। तो डेट इज स्कार्सिटी। अगर स्कार्सिटी ना हो तो पावर कट कभी होने वाला नहीं है, बिजली कभी नहीं भागेगी भाई। बिजली भागती इसलिए है क्योंकि बिजली की कमी है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, डेट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी इक्वल्स टू डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। जब भी रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी दोस्तों, तो हमेशा देश में स्कार्सिटी रहेगी रहेगी। तो स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज, स्कार्सिटी कैन बी डिफाइंड एज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी दोस्तों, तो हमारा देश फंस जाएगा किसमें? स्कार्सिटी में। स्कार्सिटी तो हो ही जाएगी, कमी तो हो ही जाएगी, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो स्कार्सिटी अपने आप ही हो गई। सो दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसके डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, डेफिनेशन में लिखा गया है कि मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। स्कार्सिटी मीन्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कॉमोडिटी, इट सिंपली मीन्स लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। लिमिटेशन है सप्लाई की, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम दोस्तों। तो डेट इज नोन एज स्कार्सिटी। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है दोस्तों, लिखी हुई, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच का, जिस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, आपके सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखी आ रही है। क्या लिखा गया है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है चॉइसिस करना। चॉइसिस करने का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज का सेटिस्फेक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए
और हमारे पास रिसोर्सेस कम है, रिसोर्सेस कम और मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाहिए, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि किस जगह पर मैं उसका इस्तेमाल करूं। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद मेकिंग चॉइसेस, आपको चॉइसेस करनी पड़ेगी कि किसी चीज़ का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। इसी का नाम है दोस्तों इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स। इंसान की जरूरतें कभी खत्म होने वाली नहीं है, रिसोर्सेस कल भी कम थे, आज भी कम है और कल भी कम ही रहेंगे, और इंसान की जरूरतें कभी नहीं पूरी होने वाली। यार इंसान तो कभी जरूरतें पूरी करवा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। इंसान को एक चीज़ मिल जाती है, फिर क्या था, दूसरी चाहिए, दूसरी मिल जाती है, तीसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए, कभी खत्म होने वाली नहीं है। जरूरतें इंसान की खत्म ही नहीं होने का नाम लेती बिल्कुल भी, इंसान तो जरूरतों से भरा पड़ा है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब हुआ आपको चॉइसेस करनी पड़ेगी, इन जरूरतों में आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे पहले आप क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद आप क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं दोस्तों। तो इसी को हम लोग कह के चलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे, इस डेफिनेशन को भूलना नहीं है, नहीं है, नहीं है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे दोस्तों हमारे पास तीन रीज़न आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीज़न है तीन। पहला रीज़न आपके सामने आ चुका है जिसका नाम है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। चॉइसेस इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए मुझे चॉइस करनी पड़ रही है यार मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ कहाँ इस्तेमाल ना करूँ। अगर रिसोर्सेज मेरे पास स्कार्स ना होते हैं तो मुझे टेंशन ही नहीं थी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए 2 दिन से पानी नहीं आया और आपके घर में पानी की कमी है, शॉर्टेज है, आपके पास सिर्फ एक बकेट ऑफ वाटर है, सिर्फ एक बाल्टी में पानी है, ठीक है। अब आप सोचो उसका कहाँ यूज़ करूँ कहाँ यूज़ ना करूँ, कहाँ यूज़ करूँ कहाँ यूज़ ना करूँ। भाई घर थोड़ा सा सफाई करनी है, क्या सफाई में उस पानी का इस्तेमाल करूँ, ठीक है। वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश करना है, सब्जी बनानी है, वहाँ इस्तेमाल करूँ, वॉशरूम वगैरह में यूज़ करें उसको, ठीक है, या फिर और भी जो भी वाटर की यूजेज है, कहाँ यूज़ करना चाहिए कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए सोच रहा है इंसान, कहाँ यूज़ करूँ कहाँ यूज़ ना करूँ, कहाँ यूज़ करूँ क्या ना यूज़ करूँ, क्योंकि स्कार्सिटी है इसलिए सोच रहा है। अगर स्कार्सिटी ना होती, पानी सफिशेंट है, तो टेंशन ही नहीं, फिर चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर जगह इस्तेमाल करो, सफाई भी कर लो, वॉशरूम में भी यूज़ कर लो, वेजिटेबल्स वगैरह में भी यूज़ कर लो, अरे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पानी बहुत हमारे पास, पानी हर जगह यूज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी की कमी नहीं है। तो अगर स्कार्सिटी ना हो तो चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, दोहरा के चलेंगे। जब जब स्कार्सिटी होगी तब तब आपको चॉइस करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज को हमें कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। लिखा गया है रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। सारे रिसोर्स चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, भाई ये कम ही है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, कम ही है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जबकि ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे लिखा गया है एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल वॉट पीपल वॉन्ट, और इकोनॉमी के अंदर हर चीज़ मैं बना नहीं सकता जो लोगों को चाहिए, लोगों को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, मैं सब कुछ नहीं बना सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बनाना। इट इज़ अ बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी जड़ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि लोगों को बहुत कुछ चाहिए और मैं सब कुछ उनको दे नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं सकता। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। स्कार्सिटी हर जगह पे है, किसी जगह पे किसी चीज़ की, किसी जगह पे किसी चीज़ की, हर जगह पे स्कार्सिटी तो रहेगी रहेगी, फॉर श्योर रहेगी रहेगी, तो ध्यान रखे चलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों जिसका नाम है अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। ह्यूमन वॉन्ट्स ना तो कभी कल तक पूरी हुई थी, ना आज पूरी हुई है, ना कल पूरी होंगी। इंसान की जरूरतें ना तो कभी पूरी हो सकती थी, ना पूरी हो सकती हैं, ना पूरी होंगी। जब तक इंसान का जीवन चल रहा है तब तक ज़रूरतें आती रहेंगी, एक चीज़ को पाने के बाद दूसरी, दूसरी चीज़ को पाने के बाद तीसरी, तीसरी चीज़ को पाने के बाद चौथी, इंसान की ज़रूरतें चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसमें हमें एडवाइस दी जाती है कि अपनी ज़रूरतों को हम लोग मार्क करके चलें कि कौन सी नीड्स हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी नीड्स हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नेसेसिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है उनको हम लोग पहले फुलफिल करेंगे, और जो हमारी नेसेसिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती उनको हम लोग बाद में भी फुलफिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी मुझे चूज करना पड़ रहा है कि मेरी नेसेसिटीज में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, नेसेसिटी का एग्जांपल आता है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। इसमें भी मैं फूड को सबसे पहले रख रहा हूं, मतलब मेरी सबसे पहली चॉइस फूड है, उसके बाद क्लोथिंग है और उसके बाद शेल्टर है। तो मैंने चॉइसेस में भी मार्क करके चला है कि मुझे अपनी चॉइसेस में भी फूड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसके बाद क्लोथिंग को इंपॉर्टेंस देनी है और उसके बाद शेल्टर को इंपॉर्टेंस देनी है। तो चॉइस तो अपने आप ही होगी कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, फूड, फिर क्लोथिंग और फिर शेल्टर। तो चॉइस तो करनी पड़ रही है ना, इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तभी तो चॉइस करनी पड़ रही है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों इस पॉइंट को। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्स आपके पास है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके पास टाइम हो, टाइम एक रिसोर्स है, आपके पास मनी हो, मनी एक रिसोर्स है, आपके पास एफर्ट्स हो, एफर्ट एक रिसोर्स है,
कुछ भी हो उसके यूजेस बहुत सारे हैं। आप पैसे का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो, टाइम का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो, एफर्ट्स का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो, यूजेस बहुत सारे हैं। अब यहाँ सोचना पड़ेगा कौन सी चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अपने एफर्ट्स को वहाँ पर लगाऊंगा, कौन सी चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, मैं अपने पैसे को वहाँ लगाऊंगा। तो इसमें भी मुझे क्या करना पड़ रहा है, चूज़ तो करना पड़ रहा है ना। तो भाई चॉइस करनी पड़ती ही पड़ती है, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है चॉइस करना। चॉइस तो करनी पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए आपको क्या करनी पड़ रही है, चॉइस करनी पड़ी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों इस टॉपिक को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे।